वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर वीवी डॉट नेट के अंदर आज छोटा सा एक प्रोग्राम को हम देखने वाले हैं, जिससे हम बेसिक कैलकुलेशन, कुछ ऑपरेटर्स को यूज़ कैसे करेंगे कंट्रोल्स के ऊपर, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्मॉल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम सिंपल सम, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इससे रिलेटेड कुछ वर्क को करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक नाम देते हुए प्रोजेक्ट को हमने क्रिएट पर क्लिक करा है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। हमें यहाँ पर फॉर्म्स के ऊपर कुछ कंट्रोल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए कोड करना होगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक मैसेज बॉक्स हमने यूज़ करा था, और उस पर रन कराने के बाद जब हम क्लिक करे थे तो हम वहाँ पर देख पाए थे कि जो मैसेज हमने कोड में करा था वो हमें पॉपअप होके शो हो रहा था। तो यहाँ पर लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्स और कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए सेम एज विजुअल बेसिक 6 में, अगर आपने विजुअल बेसिक 6 सीखा हुआ है तो आपको कोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर नहीं भी सीखा है तो एक सिंपल तरीके से कोड है जो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्म हमारा आ चुका है बनके। फॉर्म को हम बड़ा कर सकते हैं यहाँ से मैक्सिमाइज़ करते हुए फॉर्म को, और टूल्स को हमें यहाँ पर ओपन करना है। अगर टूल्स हमारे ओपन नहीं हैं तो यहाँ से हम व्यू के अंदर से टूल बॉक्स को खोल सकते हैं। टूल बॉक्स को आपको यहाँ से ऑल्ट कंट्रोल एक्स एक की दी गई है, जहाँ से आप इसे यूज़ कर पाएंगे। सीधे हम यहाँ पर पहले बात करते हैं लेबल के बारे में। लेबल हमें यहाँ से बना देना है। लेबल लिखने के काम आता है फॉर्म पर। यहाँ पर हमने एंटर फर्स्ट वैल्यू का एक मैसेज दे देना है। जाना होगा हमें इसके कैप्शन पर। vb.net के अंदर एक टेक्स्ट कमांड होता है, vb6 में कैप्शन नाम से होता था और यहाँ टेक्स्ट नाम से होता है। यहाँ पर आप अपना कस्टम मैसेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है एंटर फर्स्ट वैल्यू। सेम एज हमने क्या करा, कंट्रोल दबा के इसे खींचा है। ऐसा विजुअल बेसिक में नहीं होता था, विजुअल बेसिक 6 में, लेकिन यहाँ पर उसने एक डुप्लीकेट तरीके से क्रिएट कर दिया है लेबल को। यहाँ से हम इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बदल देते हैं। यहाँ पर एंटर फर्स्ट वैल्यू की जगह एंटर सेकंड वैल्यू का एक मैसेज दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जब हम एंटर करेंगे तो वो मैसेज चेंज हो जाएगा। हम चाहते हैं इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह हम बड़ा करना, तो उसको भी हम यहाँ से चेंज कर पाएंगे। हमें जाना होगा प्रॉपर्टी के अंदर से फॉन्ट पर, और यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉन्ट का साइज़ हमें कितना देना है, हम 20 यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो फॉन्ट्स यहाँ पर बदल चुका है। इसके बाद हमें कंट्रोल के साथ फिर से इसे ड्रैग करके एक और थर्ड लेबल बना लेना है। यहाँ पर बनाने के बाद हम इसको फिर से टेक्स्ट कमांड से इसका जो मैसेज है वो बदल देते हैं, और इसको बदल दिया है हमने रिजल्ट के अंदर। तो सिंपली हम एक छोटा सा कोड कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ कंट्रोल बनाकर छोटी सी कैलकुलेशंस को देखने वाले हैं। यहाँ पर तीन लेबल हम बना चुके हैं। अब हमें यहाँ पर बनाना होगा टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को, और यहाँ से हमें जाना होगा टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल पर। सिंपली यहाँ से जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ छोटा आ रहा है। सबसे पहले प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी के अंदर से हमें इसका साइज़ बदल देना है। साइज़ भी हमने इसका 20 कर दिया है, और कंट्रोल के साथ इसे ड्रैग करते हुए डुप्लीकेट बना लिया है। तो ये एक अच्छा फीचर है डॉट नेट के अंदर। हम इसे आजीली ड्रैग करके भी यहाँ से नया टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बटन, और बटन के लिए हम टूल से एक बटन ड्रैग कर लेंगे। बटन पे हम यहाँ पर टेक्स्ट बदल देते हैं इसका, और इस टेक्स्ट पर हम जो सिंबल दे देते हैं वो प्लस का सिंबल दे देते हैं। इसका मतलब ये हमारा जो बटन है वो प्लस का काम करने वाला है। कंट्रोल के साथ हमने एक और बटन यहाँ से ड्रैग कर दिया है। सेम एज हमने यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया है। फिर से हमने कंट्रोल के साथ ड्रैग कर दिया है, हमने यहाँ पर साइन दे दिया है मल्टीप्लाई का, यानी कि एस्टेरिस्क साइन, और एक और यहाँ से हम ड्रैग करते हुए डिवाइड यहाँ पर सिंबल को दे देते हैं। तो हमने चार यहाँ पर बटन क्रिएट करे हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। आप चाहें तो इनके फॉन्ट के साइज़ भी थोड़े बड़े कर सकते हैं। फॉन्ट्स के अंदर से साइज़ हम यहाँ पर 20 डाल देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्म है वो बन चुका है। फॉर्म के डिज़ाइन पे हम जाएंगे।
डिज़ाइन पे जाने के बाद हमें यहाँ से अपने कंट्रोल्स की तरफ जाना है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कंट्रोल्स हमारे सारे आ चुके हैं। डबल क्लिक करते हुए अब हमें इसे कोड करना है, और यहाँ पर कोड जो कि हमारा प्लस पे दिया जा रहा है, बटन वन आप देख सकते हैं, प्राइवेट सब बटन वन क्लिक, क्योंकि हमने उसका नाम नहीं बदला था तो वो उसका नाम जो है बाय डिफ़ॉल्ट बटन वन ही रहने वाला है। कंट्रोल में हमें टेक्स्ट बॉक्स थ्री में जो टेक्स्ट दिखाना है वो हमें इंट वैल्यू को जोड़ते हुए, नंबर वैल्यू को जोड़ते हुए जो कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स वन में है, उस टेक्स्ट के वैल्यू को जोड़ेगा, प्लस हमारा जो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स टू में है। तो वीबी के अंदर सिंपल टेक्स्ट हम लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमें टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करना है। रन कमांड को चलाना है, रन कमांड यानी कि F5 स्टार्ट करते हुए जब हम यहाँ पर फॉर्म को देखेंगे, तो वैल्यू डालने के बाद अभी सिर्फ हमारा एक ही बटन काम करने वाला है, क्योंकि हमने अभी एक ही बटन पे कोड किया है। सपोज़ यहाँ पे हमने 12 और 12 लिखा, प्लस पे क्लिक कर आप देखेंगे यहाँ पर जो रिज़ल्ट आ चुका है वो 24 शो हो रहा है। इसके बाद हम अगर इसी कोड को सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, प्लस के बाद हम यहाँ पे माइनस का कोड करने के लिए सिर्फ ऑपरेटर यहाँ से बदल देते हैं, और सेम एज थर्ड बटन पर हम यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करने वाले हैं, और फोर्थ बटन पर हम यहाँ से प्लस की जगह डिवाइड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सारे कोड्स हम कर चुके हैं, अब हम इसे स्टार्ट करा के फिर से यहाँ पर वैल्यू देखते हैं। प्लस करने पर 16 आ रहा है, माइनस करने पर 8, मल्टीप्लाई करने पर 48 और डिवाइड करने पर 3, यानी कि सारे बटन्स अब हमारे वर्क कर रहे हैं। तो ये कुछ छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया कि आप ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए VB.NET में कैसे एक छोटा सा कैलकुलेटर जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा वो कैसे बनाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी रिलेटेड इससे क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं, बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे और आगे और भी चीज़ें इसके अंदर एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।